दोस्तों मैं शराब नहीं पीता। कभी साल दो साल में शौकिया जरा सी रेड वाइन लेकर बैठ गया तो चुल्लू भर वाइन खत्म करने में घंटों लग जाते हैं। लोग ताज्जुब करते हैं, यार कैसे शायर हो, शराब नहीं पीते। मैं सोचता हूँ ये क्या बात हुई कि भाई शायरी के लिए शराब पीना कोई ज़रूरी थोड़ी है। लेकिन अब इसमें गलती लोगों की भी नहीं है, शायरों से जुड़े हुए शराब के इतने किस्से हैं कि शराब को शायरी की शर्त मान लिया गया है, और इनमें से कुछ किस्से तो वाकई लेजेंडरी हैं। आज मैं आपको सुनाऊंगा हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायरों और उनकी शराब नोशियों की कहानियां। एपिसोड आखिर तक देखिएगा, इतना मजा आएगा कि आप बिना पिए शराबी हो जाएंगे। मजाज लखनवी, क्या कहें उनको, शायर, हीरो, बागी, करोड़ों दिलों की धड़कन, इनकलाबी, या फिर उर्दू शायरी का वो सैयारा जो एक युग में सिर्फ एक ही बार जन्म लेता है। वो दिलजला जिसके सीने की आग करोड़ों दिलों में तकसीम हो गई और आज तक सुलग रही है। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, शहर की रात और मैं नाशाद नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोश लूं, इस किनारे नोश लूं और उस किनारे नोश लूं, एक दो का जिक्र क्या सारे के सारे नोश लूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। तो ऐसे वहशी दिल के मालिक मजाज लखनवी से मिलने एक दिन एक फिल्मी अखबार के एडिटर आए, उनका इंटरव्यू लेना था। अब मजाज अपने ज़माने के माने हुए शराबी थे, उनकी शराब नोशी के किस्से गली गली में मशहूर थे, कोई छुपी हुई बात नहीं थी। एडिटर साहब ने बात शुरू तो बड़ी तकल्लुफ से की, उनकी पैदाइश, उम्र, तालीम, शायरी वगैरह के बारे में कई सवाल किए, और फिर आहिस्ता से असल मुद्दे पर आ गए। दबी जबान में पूछा, मैंने सुना है आप शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, आखिर इसकी क्या वजह है? किस नामाकूल ने आपसे ये कह दिया कि मैं शराब पीता हूँ? मजाज भड़क गए। सुना तो ये भी है कि आप सिगरेट दबा के पीते हैं। नहीं, मैं सिगरेट भी नहीं पीता। शराब और सिगरेट दोनों निहायत बुरी आदतें हैं और मैं ऐसी किसी बुरी आदत का शिकार नहीं, मजाज ने जवाब दिया। एडिटर साहब का माथा ठनका, उनको लगा कि उनकी तो सारी इन्फॉर्मेशन ही गलत साबित हो गई। खुद को संभालते हुए उन्होंने पूछा, तो क्या आप में कोई बुरी आदत नहीं है? मजाज ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, देखिए जनाब, मुझ में सिर्फ एक बुरी आदत है और वो ये है कि मैं झूठ बहुत बोलता हूं। मजाज से जुड़ा एक और वाकया याद आ रहा है। शहर लखनऊ, वक्त यही कोई रात के 10-11 बजे, मजाज किसी शराबखाने से निकलकर यूनिवर्सिटी रोड पर अपनी मस्ती में लहराते हुए झूमते हुए चले जा रहे थे। तभी उधर से एक तांगा गुजरा, मजाज ने जोर से उसे आवाज दी, अरे तांगे वाले जरा रुको। तो तांगा रुक गया। मजाज उसके पास पहुंचे और लहरा के बोले, अमां सदर जाओगे क्या? तांगे वाला बोला, हाँ जाऊंगा। तो जाओ, यहां क्यों खड़े हो? तांगे वाला मुंह ताकता रह गया और मजाज अपनी धुन में गिरते लड़खड़ाते आगे बढ़ गए। मजाज साहब के चाहने वाले पूरे देश में बिखरे पड़े थे। रिक्शे और तांगे वालों से लेकर बड़े बड़े राजा, महाराजा और नवाब तक उनके फैंस में शामिल थे। लेकिन मजाज ठहरे वही मनमौजी खाना खराब, कुछ तुम्हारी निगाह काफिर थी, कुछ मुझे भी खराब होना था। ये वही मजाज हैं जिन्होंने कहा था कि मेरी बर्बादियों का हम नशीनों, तुम्हें क्या खुद मुझे भी गम नहीं है। मजाज साहब पूरी जिंदगी बर्बाद हाल ही रहे, पैसों की तंगी हमेशा बनी रही, लेकिन मजाल है कि उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ फैलाया हो। खैर बात तो फैली जाती है। राजा महमूदाबाद तक खबर पहुंची कि मजाज पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं और इस बर्बादी में शराब का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मजाज साहब को बुलवाया और एक दिन बड़े प्यार से नसीहत करते हुए बोले, देखो मियाँ, मैं तुम्हारे गुजारे के लिए 400 रुपये महीने का वजीफा तय कर दूंगा। अब 400 रुपये उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी, उन दिनों 100 रुपये में आप बाकायदा आलीशान आराम की जिंदगी जी सकते थे। तो राजा साहब ने 400 रुपये महीने का ऑफर दे दिया और साथ ही एक शर्त लगा दी, ये पैसे मैं तभी दूंगा अगर तुम शराब पीना छोड़ दोगे। मजाज चुप हो गए,
बड़ी गहरी चुप्पी और बड़ी गहरी सोच में डूब गई। राजा साहब ने पूछा, किस सोच में डूब गए मियाँ, क्या हुआ? मजाज ने बड़े अदब से जवाब दिया, राजा साहब सोच रहा हूं कि अगर शराब पीना छोड़ दिया तो मैं 400 रुपयों का करूंगा क्या। जोश मलियाबादी की शायरी की तरह उनका शराब पीने का अंदाज भी निराला था। वो घड़ी सामने रखकर पीते थे, क्यों? ताकि पीने पे कंट्रोल बना रहे। 15 मिनट के बाद ही वो अगला पैक बनाते थे, उससे पहले बिल्कुल नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये अलग बात है कि 4 पैक पीने के बाद सारा हिसाब किताब हवा में रह जाता था और घड़ी कोने में पड़ी रहती थी। एक दिन वो मजाज के साथ बैठकर पी रहे थे, पहला पैक खत्म किया और घड़ी की तरफ इशारा करके मजाज से बोले, देखो मजाज, मैं कितनी कायदे से शराब पीता हूं, एकदम नियम कानून का पाबंद होके। तुम मेरा घड़ी सामने रखकर पिया करो तो ज्यादा पीने की मुसीबत से बच जाओगे। मजाज लखनवी अपना दूसरा पैक बनाते हुए बड़े आराम से बोले, घड़ी तो क्या जोश साहब, मेरा बस चले तो मैं घड़ा सामने रखकर पिया करूं। शौकत थानवी अपने जमाने के बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े कॉलमिस्ट और बहुत बड़े सहाफी थे, मजाज के दोस्त भी थे। एक बार वो मजाज साहब के पिताजी से मिल गए, दोनों में बड़ी लंबी बातें हुई। शौकत साहब ने मजाज की जम के तारीफ की, देखिए आपका लड़का है कमाल, लिखता भी बड़ा अच्छा है, मतलब अच्छा क्या, जबरदस्त लिखता है, पूरे देश में शोहरत है, बस एक ही खराबी है कि शराब बहुत पीता है, किसी तरह ये आदत छुड़वा दीजिए बस। मजाज के वालिद को ये जानकर बहुत तकलीफ हुई कि उनका बेटा शराब की लत में इस हद तक गिरफ्तार है। जाहिर सी बात है, उन्होंने मजाज को बुलाया और फटकारा। अब मजाज का गुस्सा सातवें आसमान पर, वो फौरन जा पहुंचे शौकत थानवी के पास और लगे अपना गुस्सा उतारने। बोले, देखिए, या मुझसे दोस्ती रख लीजिए या मेरे बाप से, एक साथ दोनों से दोस्ती रखेंगे तो बेटा बाप के बिगड़ जाने का खतरा है। शौकत थानवी चुपचाप सुनते रहे, बेटा तो बेटा बाप के बिगड़ जाने का खतरा है। मजाज की इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। जोश मलिहाबादी, शायरे इनकलाब, वही जिनके शेरों से लिटरली चिंगारियां उठती थी। क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें, उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। क्या उनको खबर थी, जेरो जबर रखते थे जो रूहे मिल्लत को, उबलेंगे जमी से मारे सियाह, बरसेंगी फलक से शमशीरें। क्या उनको खबर थी, सीनों से जो खून चुराया करते थे, एक रोज इसी बेरंगी से झलकेंगी हजारों तस्वीरें। क्या उनको खबर थी, होंठों पर जो कुफ लगाया करते थे, एक रोज इसी खामोशी से टपकेंगी तहकती तकरीरें। संभलो के वो जिंदा गूंज उठा, झपटो के वो कैदी छूट गए, उठो के वो बैठी दीवारें, दौड़ो के वो टूटी जंजीरें। वाकई इनकलाबी थे जोश साहब, लेकिन जब जोश मोहब्बत और दर्द की बात करते थे तो वाकई तीर सीधे दिल पे लगता था। इनके कई शेर हैं जो आपने जरूर कभी सुने, पढ़े या सुनाए होंगे। मसलन, मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, उम्र का बेहतरीन हिस्सा है। या फिर इसका रोना नहीं, क्यों तुमने किया दिल बर्बाद, इसका रोना नहीं, क्यों तुमने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। ये सारे शेर रोने वाले हैं, लेकिन जोश साहब असल जिंदगी में खूब हंसते थे और खूब हंसाते भी थे। उनको रोज शराब पीने की आदत थी, शाम होते ही यार दोस्त आ जाते, बेगम अंदर से पैक बनवाकर भिजवाती रहती, जोश साहब पैक पे पैक चढ़ाते रहते। एक शाम जोश साहब से मिलने एक ऐसे दोस्त तशरीफ लाए जिनसे उनकी बेगम बहुत चिढ़ती थी। बेगम ने तय कर लिया कि इनकी खातिरदारी तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ना पैक बनाएंगे और ना शराब के साथ जो स्नैक्स होते हैं वो भेजेंगे। उन्होंने नौकर के हाथ डायरेक्ट विस्की की बोतल बाहर भिजवा दी। जोश साहब सोडा या पानी आने का इंतजार करते रह गए। घंटों बीत गए, बोतल पड़ी की पड़ी रह गई, न सोडा आया न पानी। आखिर जोश साहब ने संदेशा भिजवाया बेगम को और उनको बाहर बुलवाया। बेगम आई तो जोश ने बड़ी नरमी से एक शेर पढ़ दिया, जो जाहिर है उन्होंने वहीं का वहीं बनाया होगा। कश्ती ये मैं को हुक्म रवानी भी भेज दो, कश्ती ये मैं को हुक्म रवानी भी भेज दो, जब आग भेज दी है तो पानी भी भेज दो।
बेगम भी शेरो शायरी समझती थी, आखिर जोश मलिहाबादी की बीवी थी, कोई मजाक थोड़ी। उनका सारा गुस्सा हवा हो गया और वो मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। फिर सोडा भी बाहर आया, पानी भी और स्नैक्स भी। मिर्जा गालिब, मतलब मिर्जा और उनकी शराब, दोनों अब लेजेंड्स का हिस्सा हैं। ये मसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादा खार होता। मिर्जा ओल्ड टॉम और कास्टलान के शौकीन थे, लेकिन पीते तो अक्सर उधार किए थे। कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फांका मस्ती एक दिन। तो एक दिन ये हुआ कि कोई कर्ज देने वाला बाकी न रहा। मिर्जा को शराब नहीं मिली। वैसे मिर्जा कोई नमाजी थे नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों, क्या सोचकर उस दिन वो मस्जिद की तरफ चल दिए। तभी उनके एक शागिर्द को कहीं से पता चल गया कि आज मिर्जा को शराब नहीं मिली। उसे बड़ी तकलीफ हुई, उस्ताद की हालत उसे देखी नहीं गई। उसने कहीं से शराब का इंतजाम किया और मिर्जा को ढूंढते ढूंढते मस्जिद आ पहुंचा। मिर्जा बस मस्जिद में दाखिल होने ही वाले थे कि शागिर्द ने चिल्ला के सलाम पेश किया और दूर से ही बोतल लहरा के दिखाई। बोतल देखते ही मिर्जा मस्जिद की सीढ़ियों से वापस पलट लिए। किसी ने टोका, ये क्या मिर्जा, बगैर नमाज पढ़े चल दिए? मिर्जा बोले, जिस चीज के लिए दुआ मांगनी थी वो तो यूं ही मिल गई, अब नमाज पढ़ के क्या करूंगा। टाइमलेस कालजयी, कालजयी रचना कौन सी होती है? बहुत सीधा सा अर्थ है कि जिस पर समय की धूल न जमे, बरसों बरस गुजर जाने के बाद भी जो कहीं से पुरानी ना लगे। 1936 में पहली बार मुंशी प्रेमचंद की एक शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुई थी जामिया में, जिसका नाम था कफन। प्यार किए बिना कोई संपूर्ण कैसे हो सकता है? योद्धा वही है जो हजारों को मार गिराए लेकिन नैनों का एक तीर न सह पाए। इश्क के भंवर में अपनी कश्ती फेंकने से पहले उसने अपने दिल का डर सलीम पर जाहिर किया था। कहां सलीम का रुतबा, कहां अनारकली, ये ऐसी शाखे तमन्ना है जो कभी ना फली। हुजूर, एक ना एक दिन ये बात आएगी कि तख्तो ताज भले हैं कि एक कनीज भली। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहने उसे राखी ना बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। सावन की झड़ी जब लगती है, बूंदों में तू ही बरसता है, तू ही तो है जो झरनों के पानी में छुप के हंसता है।